Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the Apple Watch Series 8. तो ये वॉच जो है ये 3 या 4 महीने पहले लॉन्च हुई थी एंड ऑफकोर्स मैंने डिसाइड किया था कि इस पर अपग्रेड करना है एंड सिंस मैंने अपग्रेड किया तो मैंने सोचा कि वाई डोंट आई यूज इट फॉर अ बिट और उसके बाद मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करूंगा टू फाइंड आउट कि वॉट आई हैव बॉट इन टू रीजन इज बिकॉज इसके पहले मैं 3-4 सीरीज यूज करता था वॉच की एंड आई थॉट कि अगर एक टाइम आया है जब इसे अपग्रेड करने का तो कैसा है ये अपग्रेड तो ये वीडियो में मैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक और लॉन्ग टर्म रिव्यू दूंगा ऑफ यूजिंग दिस वॉच बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो ऑफ कोर्स प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बिना सब्सक्राइब किए चले मत जाइएगा कमेंट्स में भी हमें बताइए कि अगर और आप क्या सोचते हैं ये वीडियो के बारे में एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड मैं यूज कर रहा हूँ 45mm वाली ऑफ कोर्स ये 41mm में भी आती है बट मुझे लगता है 45mm इज अ गुड साइज फॉर मी और ये स्टारलाइट कलर की है जो मुझे बहुत ही पसंद है बिकॉज वाइट ब्राइट कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं आई प्रेफर यूजिंग देम स्पेशली फॉर माय वॉचेस नाउ इसका प्राइस है ₹48,900 जो MRP है बट आपको काफी सारे अच्छे ऑफर्स आते हैं एप्पल के थ्रू ऑफिशियली एज वेल जिसमें आपको ये अराउंड 40-41,000 की भी मिल सकती है कि न्यू फीचर्स क्या है सबसे पहला फीचर जो है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे मैंने अभी ये वीडियो के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो ऑन कर दिया है बट नॉर्मली मैं इसे ऑफ रखता हूँ द रीजन इज बिकॉज मेरे लिए जब भी मैं रिस्ट ऊपर करता हूँ तो आई कैन एक्चुअली सी द टाइम आई कैन इट फायर्स ऑफ प्रीटी वेल सो मुझे नहीं लगता कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखने की मेरे लिए जरूरत है नेक्स्ट इज क्रैश डिटेक्शन फीचर जो ये सबसे बड़ा फीचर है जो ये वॉच के साथ में आया है एंड ऑफकोर्स आईफोन 14 सीरीज के साथ में भी आया है अभी मैं पर्सनली यूज करता हूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स जो ऑलरेडी ये फीचर देता है बट विद द वॉच ये और थोड़ा सा एनहांस हो जाता है गिव्स यू बेटर प्रोटेक्शन इज द S8 का न्यू प्रोसेसर नाउ ये प्रोसेसर जो है ये नया आया है ये वॉच में एंड दैट मेक्स दिस वॉच रियली फास्ट एवरीथिंग दैट यू डू विद इट इट्स रियली फास्ट इट्स इंस्टेंट और इसके अलावा और भी थोड़े से नए फीचर्स है जो काफी इंटरेस्टिंग है फॉर एग्जाम्पल स्लीप साइकल्स है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे 2 टेम्परेचर सेंसर्स हैं लड़कियों के लिए विमेन के लिए देयर इज रियली अ नाइस फीचर व्हिच कैलकुलेट्स अ मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन के टाइम पे ऑफ कोर्स द वॉच इज फुल्ली डस्ट रेजिस्टेंट एज वेल एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अभी ये आपको नाइकी फेसेस के जो है वो एक्सेस भी देता है ऑल वॉच फेसेस के जो पहले नहीं होते थे सो दीज आर द न्यू फीचर्स जो ये वॉच में भी आपको ऑफर करते हैं बट पर्सनली अगर मैं सोचता हूँ कि आप एक स्मार्ट वॉच किस लिए यूज करते हैं तो मेरे दिमाग में हमेशा 2 चीजें आती है नंबर 1 इज कन्वीनियंस एंड दूसरा इज हेल्थ सो सबसे पहले कन्वीनियंस की बात करते हैं बट वो बात करना डिफिकल्ट है और आपको शायद समझ में भी नहीं आएगी अगर आप नॉर्मली कोई स्मार्ट वॉच यूज नहीं करते हो द रीजन इज बिकॉज हैंड्स फ्री यूजेज जो रहता है वो आपकी लाइफ काफी कन्वीनियंट कर देता है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कॉल किया या मैसेज किया या कुछ रिप्लाई करना है स्क्रोलिंग थ्रू मैसेजेस एज वेल या मेल्स भी अगर आपको देखने हैं तो ये सब चीजें अगर आप पॉकेट से फोन निकाले भी ना कर सकते हैं सो ये आपकी लाइफ बहुत ही ईजी बना देता है लाइक फॉर एग्जाम्पल पर्सनली मैं स्क्रिबल फीचर जो है वो काफी यूज करता हूँ वाइल रिप्लाइंग द मैसेजेस जब भी मैं वॉच पहनता हूँ तो वो मेरी लाइफ बहुत ही ईजी करता है मैं कीबोर्ड यूजर नहीं हूँ इनफैक्ट दूसरी चीजें भी जो इसमें मैंने नोटिस की है वो काफी यूजफुल है कन्वीनियंस के डिपार्टमेंट में फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कार में कार प्ले है एंड आप मैप्स काफी यूज करते हैं जैसे मैं यूज करता हूँ देन यूजुअली आप ऑफकोर्स स्क्रीन पे आपको इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि लेफ्ट लेना है या राइट या वेरी द डायरेक्शन इज बट व्हाट द वॉच डज इज कि जब भी टर्न आता है तो आपको हैप्टिक फीडबैक देता है गिविंग यू एन इंडिकेशन कि अभी आपको रूट चेंज करना है या रूट में राइट या लेफ्ट लेना है सो दैट इज वेरी कन्वीनियंट ऑनेस्टली The reason why I'm talking about convenience इतना is because हर एक चीज जो convenient होती है वो equate करती है आपको time बचाने में और वही time आप use कर सकते हो बाकी सारी चीजें करने में जो काफी ज्यादा और productive हो So undeniably convenience के अलावा जो दूसरी चीज है जो सब use करते हैं या ये देता है is of course health So ideally मैं कोई एक workout buff नहीं हूँ I'm someone who really likes to keep fit और उसके लिए मैं काफी sports खेलता हूँ But what the watch does is, जो आपका आईफोन है वो ऑलरेडी काफी सारी ये डेटा देता है बट उसे एक डिटेल डेटा सेंट्रल एक कोलेक्ट करके इट गिव्स यू अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है फॉर एग्जाम्पल अगर स्लीप टाइम के बारे में बात करें तो ये स्लीप टाइम एक फीचर है जो मैं पहले कभी यूज नहीं करता या मुझे आइडिया नहीं था बट सिंस द टाइम आई गॉट दिस वॉच इन ऑर्डर टू ऑफकोर्स टेस्ट इट आप लोगों के लिए I wore it for a long time in order to get that more data. और उसके बाद में it started giving me the average sleep time of what I have
जो यूजुअली 8 to 9 hours बताता है आपके फोन में, बट व्हाट्स द रियल स्लीप टाइम ऑफ डीप स्लीप, कोर स्लीप, ऑल ऑफ दैट इज एनीवेयर बिटवीन 5 to 5.5 hours. सो ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है वो काफी यूजफुल होती है मेरे हिसाब से. ऑफ कोर्स हर एक चीज जो ये आपको देगा वो डिटेल में आप जाएंगे भी नहीं, क्योंकि मैं भी ऐसा यूजर नहीं हूँ वेर आई विल गेट इनटू एवरीथिंग, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स रियली गिव्स यू अ बेटर इनसाइट इनटू थिंग्स. फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी स्टेप्स यू रन, कितना भागे हैं, व्हाट आर द कैलोरीज दैट यू माइट हैव बर्नड, व्हाट आर द रेस्टिंग कैलोरीज दैट यू हैव. सो ये सब चीजें आपको काफी यूजफुल कर देती है अगर आपको ये इंटरेस्ट या ये चीजों में है तो. ऑफकोर्स ये सारी चीजें जब आप यूज करेंगे तो इट ईट्स इनटू योर बैटरी लाइफ एज वेल, बट इसकी जो बैटरी है ये काफी फास्ट चार्ज भी हो जाती है तो. और मैं पर्सनली जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो यूजुअली ऑफ रखता हूँ, तो मुझे तो ये काफी अच्छी बैटरी लाइफ देता है जो ऑनेस्टली 50% या 40% से नीचे ड्रॉप नहीं होती ऑन ए यूजुअल डे. तो फाइनली बिग क्वेश्चन क्या आता है कि वेदर इज दिस वॉच वैल्यू फॉर मनी और नॉट. अभी वैल्यू फॉर मनी को ब्रेक डाउन करने के लिए मैं दो यूजर के हिसाब से सोचता हूँ, एक जो यूजर ऑलरेडी एक स्मार्ट वॉच यूज करता है और दूसरा जो यूजर स्मार्ट वॉच नहीं यूज करता है. तो अगर आप नहीं यूज करते हैं स्मार्ट वॉच एंड ऑलरेडी आपको एक्सपेंसिव या इंटरेस्टिंग वॉचेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये वॉच ऐसी वॉच है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ऐसा सोचिए कि आपको ये टाइम भी दिखाएगी और उसके आगे काफी सारे एडेड फीचर्स देगी जो आपको आपकी नॉर्मल वॉच नहीं देगी. अभी दूसरा यूजर वो है जो एक यूज करता है स्मार्ट वॉच. अगर आप यूज करते हैं स्मार्ट वॉच तो आपको ऑलरेडी इसके बेनिफिट्स पता होंगे, बट इसके हिसाब से अगर आपको ये थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है एंड आपको थोड़े अफोर्डेबल ऑप्शंस चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 8 सीरीज ही बाय करनी है. ऑफकोर्स सीरीज 7 जो है वो भी उसके प्राइसेस कम हो गए, सो दैट इज मोर अफोर्डेबल, आप वो भी देख सकते हैं. बट वो सोचने के पहले आप एक बात डेफिनेटली दिमाग में रखिए कि यूजुअली जब भी आप वॉच खरीदते हैं तो हमेशा उसे 3 या 4 years के गैप में मेरे हिसाब से चेंज करेंगे, नॉट लाइक अ फोन. सो देन इन दैट केस ये थोड़ा सा और कंपेलिंग बाय हो जाता है आपके लिए, बिकॉज वैसे भी आप 2 या 3 साल से ज्यादा ये वॉच को चेंज नहीं करने वाले, सो माइट एज वेल बाय इनटू अ लेटेस्ट प्रोडक्ट. सो ऐसा लगता है कि ये वॉच जो है ये रिप्लेसमेंट नहीं है आपकी मेमोरी के लिए, ये बेसिकली आपको ऑफर करता है काफी सारा कन्वीनियंस एंड काफी सारी चीजें जो एनहेंस करता है आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस. फॉर एग्जांपल, मुझे काफी सारी वॉचेस पसंद है तो मैं यूजुअली ट्राई करता हूँ वॉचेस अलग अलग पहनने की. तो ऐसा नहीं है कि ये वॉच मैं हर रोज यूज करता हूँ, बट आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि जो दिन पे मैं ये वॉच यूज करता हूँ वो दिन मेरा कन्वीनियंस जो है डेली यूजेज का वो काफी ज्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू वेयरिंग अ नॉन स्मार्ट वॉच. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा. कमेंट्स में हमें बताइए कि आप कोई स्मार्टफोन यूजर है या स्मार्ट वॉच यूजर है तो आप कौन से फीचर्स यूज करते हैं. वीडियो के बारे में भी अगर आप कुछ सोचते हैं तो ऑफकोर्स प्लीज कमेंट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी व्यूइंग.